कविता कपूर, याद है आपको जीना तेरी गली में की भोली सी एक्ट्रेस कविता कपूर। आज अपने इस वीडियो में मैं करूंगी उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। तो आइए जानते हैं कौन है कविता कपूर और क्या है उनके जीवन की कहानी। 17 फरवरी को पुणे में जन्मी कविता का बचपन पुणे में ही बीता। साथ ही सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की, साथ ही पुणे से उन्होंने लॉ भी किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कविता आ गई एक्टिंग लाइन में और सन 1991 में उन्हें मिली टीनू आनंद की एक्टेड डायरेक्टेड फिल्म जीना तेरी गली में। पहले कुछ वीडियो फिल्म्स बनाई जाती थी जो कि रिलीज भी सिर्फ VCR पर की जाती थी। इस फिल्म को भी पहले होम वीडियो पर रिलीज किया जाना था, लेकिन इस फिल्म के म्यूजिक के प्रति लोगों का यूज रिस्पॉन्स देखते हुए इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया और नतीजा ये रहा कि ये फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल रही। लीड एक्ट्रेस के तौर पर इस फिल्म में कविता के अभिनय को काफ़ी पसंद किया गया। साथ ही साथ इस फिल्म के हिट होने का दूसरा बड़ा कारण था इस फिल्म का म्यूजिक। इस फिल्म के गाने जो कि आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना और जीना तेरी गली में जैसे सॉन्ग्स आज भी लोगों को बहुत पसंद हैं। हालांकि जीना तेरी गली में काफ़ी हिट रही और कविता के अभिनय को भी इसमें काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन जाने क्या कारण रहा जो कविता एज लीड एक्ट्रेस दोबारा किसी फिल्म में नज़र नहीं आई। लेकिन इसके बाद कविता ने रुख किया छोटे पर्दे की तरफ और सन 1996 में कविता नजर आई सोनी टीवी के लोकप्रिय शो जस्ट मोहब्बत में, जिसमें माया का किरदार निभा कविता ने खूब लोकप्रियता बटोरी। साथ ही साथ इस सीरियल में कविता के साथ थे वत्सल सेठ, कुणाल रॉय कपूर और रवि वासवानी जैसे बड़े सितारे। जस्ट मोहब्बत अपने किरदारों के लिए और अपनी कहानी के लिए आज भी याद किया जाता है। बस फिर क्या था, जस्ट मोहब्बत के बाद कविता एक के बाद एक लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में काम करती चली गई। फिर चाहे आशीर्वाद की राधा का किरदार रहा हो या सांस की मनीषा का, किटी पार्टी की रेवा का किरदार रहा हो या यस बॉस की मीरा का, कविता ने हर किरदार को बखूबी निभाया और लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया। साथ ही साथ यस बॉस कविता के करियर का सबसे लंबा चलने वाला टीवी सीरियल माना जाता है। किटी पार्टी के बाद साल 2005 में कविता एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आई। साल 2005 में आई सैफ अली खान और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म सलाम नमस्ते में उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। इस फिल्म के छोटे से रोल के लिए भी कविता को याद किया जाता है। इसके बाद साल 2010 में NDTV इमेजिन पर आया कविता का शो रक्त संबंध, जिसमें उन्होंने एज विलन काम किया। साथ ही साथ 2015 में आए स्टार प्लस के शो सुमित संभाल लेगा में कविता जमकर कॉमेडी करती भी नजर आईं, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। इन सब के बाद कविता कई एड फिल्म्स में भी नजर आईं। साथ ही साथ उन्हें सोशल वर्क करना भी काफ़ी पसंद है। एक स्थान पर कविता अपनी जिंदगी का मोटो बताती हैं, नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। बड़ा पर्दा रहा हो, छोटा पर्दा रहा हो या के एड फिल्म्स, कविता हर तरह से एक्टिंग में सक्रिय रही और काफ़ी सफल भी हुई। कविता के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद हम तो यही कहेंगे कि कविता इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएं। कविता कपूर के जीवन से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी आपको, मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।